अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। देखो बच्चों, पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब पहला है बकरी, बकरी है स्त्रीलिंग, है ना, और पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बकरा। ख, नारी स्त्रीलिंग, नर पुल्लिंग, नारी मीन्स औरत, नर मीन्स आदमी। ग, युवक, युवक मीन्स लड़का, है ना, तो युवक क्या है? पुल्लिंग है। ऊपर देखो, वो पहले स्त्रीलिंग था, हमने पुल्लिंग किया, अब है पुल्लिंग, अब स्त्रीलिंग। युवती मतलब लड़की। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक मीन्स सर, अध्यापिका मीन्स मैम, तो अध्यापक अध्यापिका, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में हमने उसको लिखा है। बालक, बालिका, बालक लड़का, बालिका लड़की। ठीक है, वर, वर मीन्स दूल्हा, वधू मीन्स दुल्हन, तो वर का वधू। सेविका, सेवा करने वाला, सेविका, सेवक, सेवा करने वाली, तो सेविका मतलब स्त्रीलिंग, सेवक मीन्स पुल्लिंग। च, लेखिका, लेखक, लेखिका मीन्स लेख लिखते हैं ना जो, उसको लेखिका बोलते हैं, तो लेखिका स्त्रीलिंग, लेखक पुल्लिंग। अब है दिए गए शब्दों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये विराम चिन्ह तो उन्होंने दिखा दिए, ये वाले विराम चिन्ह अपने को लगाने हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने फिर कहा, थोड़ा सा क्या हुआ, रुके, हम थोड़ा सा रुके ना, अल्प विराम लगा। बेटा विराम चिन्ह वो होते हैं, उन्हें कहते हैं जब हम भाषा को लिखते हैं और थोड़ा सा रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा को लिखते समय हम थोड़ी देर, एक थोड़ा सा जब रुकते हैं ना, तो जो चिन्ह हम वहाँ लगाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, थोड़ा सा हम रुक रहे ना, भगवान बुद्ध ने फिर कहा, है ना, रुके ना, कहा, तो अल्प विराम लगा, छोटा सा देखो लगा हुआ है। फिर हे वत्स्य, क्या लगा? विस्मय बोधक चिन्ह, थोड़ी देर के लिए हे वत्स मतलब अचानक ही, हे वत्स ऐसे करके उन्होंने विस्मय बोधक चिन्ह लगाया। आनंद निर, फिर और हे वत्स से पहले क्या लगाया उन्होंने? उद्धरण चिन्ह, वत्स के पहले उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह वो होते हैं जो हम जिस शब्द को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, किसी भी चीज़ को हम जैसे कोई बोलता है ना उसी तरह लिखते हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जब हम ज्यों का त्यों जिस वाक्य में बोलने वाले का कथन होता है ना और पढ़ने वाले यूं का त्यों प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने कहा हम कल जाएंगे, तो आप बिल्कुल वैसे ही बोलोगे कि मैम ने कहा था हम कल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मैम ने कहा था हम कल भी जाएंगे, कल भी जा सकते हैं या कल भी जाएंगे, नहीं, मैंने जैसा कहा हम कल जाएंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा आप बोलोगे तो उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। एज इट इज़, ज्यों का त्यों, आप अपनी बात को मोड़ के नहीं बोलोगे, जैसा मैंने बोला वैसे बोलोगे ना, तब हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। बस अब बस के बाद फिर विस्मय बोधे लगाया उन्होंने, एक डंडा और छोटी सी बिंदी। आनंद निर्माण में है, विनाश में नहीं, फिर क्या लगाया उसके बाद? छोटी बिंदी लगी है और कोमा लगा हुआ है, ऐसा छोटा सा ऐसे बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं अर्धविराम। जो अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा देर रुकते हैं हम उसे अर्धविराम कहते हैं। तुम निर्माण में रुचि रखो, क्या हुआ? पूर्ण विराम लगाया हमने। निर्माण करना सीखो, फिर थोड़ा रुके अल्पविराम के लिए। ठीक है, अल्पविराम लगाया। विनाश करना नहीं, वाक्य पूरा हो रहा है ना, पूर्ण विराम। सच्चा और वास्तविक आनंद निर्माण में ही मिलता है, है ना,
यहाँ पे हम पूर्वनाम भी लगाएंगे और उद्धरण चिन्ह भी लगाएंगे। क्या करेंगे, पूर्वनाम भी लगाएंगे और उद्धरण, हमारी बात खत्म हो गई और फिर उद्धरण चिन्ह भी लगेगा। ठीक है बच्चों, हो गया। बेटा ये कहानी बहुत अच्छी थी, इसमें बताया गया है कि संगति पाकर डाकू भी का भी हृदय परिवर्तन हो गया, उसने अपने बुरे काम छोड़ दिए और अच्छे कामों में लग गया। हम भी अगर अच्छी संगति करते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं, तो हमारे में भी अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे। और अगर कोई बुरा व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हम अपनी अच्छाइयों से उसकी बुरी चीज़ों को अलग कर देंगे, हटा देंगे, उसमें भी अच्छाइयों का समावेश कर देंगे कि भाई आप, कोई बच्चा गलत बात बोलता है तो नहीं नहीं ये बात गलत है, अच्छी ऐसे नहीं बोलते, अपन बोल सकते हैं ना अपने दोस्त से, उसको सिखा सकते हैं। इसलिए बेटा संगति अच्छे लोगों की करनी चाहिए। हाँ कोई व्यक्ति आपके बुरा आ जाता है तो हम उसे भी सुधार सकते हैं। देखो महात्मा बुद्ध ने इतने बड़े डाकू को सुधार लिया है ना, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा करना चाहिए हमें, बुरे से दूर रहना चाहिए।